हेलो गाइस। तो मेनी टू वन सारे रिलेशनल फील्ड्स कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग ऑन चेंज फंक्शंस एंड कंप्लीट फंक्शन देखेंगे उडो में किस तरह से काम करता है। तो जब भी डिपेंडेंसीज करना होना रहता है, मतलब एक फील्ड दूसरे फील्ड पर, तो हम लोग कंप्यूट फील्ड को यूज़ करते हैं। जैसे कि सपोज कोई एक फील्ड है और उस फील्ड का डेटा को हम लोग बाई फंक्शन के थ्रू ऐड करते हैं डेटाबेस में, तो हम लोग यूजिंग कंप्यूटर ऑन चेंज के थ्रू ही करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कंप्यूट कंप्यूट लिख देंगे, सेम नाम का हम लोग फंक्शन बनाएंगे जिस जो कंप्यूट में रहता है, और सी जो फंक्शन नेम है वो सेम रहेगा वहाँ पर जो हम लोग ने पास किया है पैरामीटर में। अब इसको करते हैं रन, रिकॉर्ड डॉट पार्टनर आईडी डॉट नेम। तो पार्टनर आईडी क्या है, पार्टनर आईडी एक मेनी टू वन फील्ड है और ये सीधा रजिस्टर्ड पार्टनर मॉडल में जाता है, और रजिस्टर्ड पार्टनर मॉडल में नेम फील्ड है तो ये नेम रिट्रीव कर लेगा। तो अभी करते हैं अपडेट और रन इसको। सी तो गाइज आप देख सकते हो कि किस तरह से यह ऑन कंप्यूट फंक्शन कैसे काम करता है। मैंने ऑन चेंज लिखा है वहाँ पर नेम, और यहाँ पर मैं जब भी इस पार्टनर आईडी में पार्टनर में चेंज करूँगा कुछ भी तो ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। सी देखो वो चेंज हो गया डिस्क्रिप्शन में। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस अब हम लोग ऑन चेंज पे आएंगे। थोड़ा सा आप इनवर्स भी देख लेना, ठीक ऑन चेंज कंप्यूट फंक्शन के साथ हम लोग इनवर्स भी यूज़ कर सकते हैं, सेम उसका उल्टा होगा जब भी हम लोग मैथमेटिक कैलकुलेशन करते हैं। वहाँ पर एग्जांपल दिया है उडो डॉक्यूमेंटेशन में, आप लोग जाके देख सकते हो। अब आते हैं ऑन चेंज में। तो ऑन चेंज क्या करता है, ऑन चेंज में हम लोग कोई फंक्शन डिफ़ॉल्ट देने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम लोग वो इसका जो डेकोरेटर्स है उसमें पैरामीटर पास कर देंगे, जो भी जो भी फील्ड से हम लोगों को आईडी पास करना हो। जैसे कि पार्टनर आईडी हम लोग को पास करना है तो पार्टनर आईडी हम लोग लिख देंगे वहाँ पर पैरामीटर में डेकोरेटर का। सी तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, उड़े फंक्शन को एंड पैरामीटर में पार्टनर आईडी पास कर दिया है मैंने। और कुछ भी चेंजेस होगा पार्टनर आईडी में, मतलब जब भी हम लोग पार्टनर आईडी में वैल्यू अपडेट करेंगे सेम वैल्यू ये अपडेट कर देगा नेम में और डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि हम लोग ऑन चेंज फंक्शन यूज़ करके हम लोग डेटा फिल कर रहे हैं। तो गाइज अब हम लोग करते हैं रन। रन के बाद इसको करते हैं चेक अपडेट। तो मैं अभी गाइस अभी बार बार कर रहा हूँ, मैं बाद में क्या करूँगा कि अपडेट यू इज माइनस यू इक्वल टू अपडेट शॉर्ट फॉर्म जो होता है, मैं अकाउंट में जाकर कमांड को रख दूंगा तो वो बार बार मुझे अपडेट करने की ज़रूरत नहीं। अब देखते हैं इस नेम में कुछ भी लिखा
देखिए हम लोग अब यहाँ पर हम लोग चेंज करते हैं सी, वो लिखा हुआ चेंज हो जाकर ये डिफ़ॉल्ट फंक्शंस वाले वैल्यू को रख देता है। देख सकते हो फिर से हम लोग एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो गाइस सी डिस्क्रिप्शन में भी हमने कुछ लिख दिया, और मैं एक बार डेट दे देता हूँ, और अब इस पे हम लोगों का लगा हुआ है इस फील्ड पे, ये फील्ड चेंज होगा तो वो दोनों फील्ड चेंज हो जाएंगे सी ऑन चेंज फंक्शंस के कारण। तो ये था ऑन चेंज फंक्शन। थैंक यू गाइस।